झारखंड में गठबंधन सरकार में शामिल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी 2 साल पूरा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी सरकार से नाखुश और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा का मानना है कि असल में ये गठबंधन सेवा के लिए नहीं बल्कि मेवा के लिए बना था, और इसीलिए जिसे मलाई मिल रही है वो खुश है और जिसके हाथ खाली है वो नाखुश। जनता समझ बैठी थी कि ये जनता के लाभ के लिए गठबंधन कर रहे हैं, प्रदेश के विकास के लिए गठबंधन कर रहे हैं, उसमें जनता दिग्भ्रमित हो गई। इन्होंने जिस चीज के लिए गठबंधन किया था, इनका जो पुराना इतिहास है और जो सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए और मलाईदार पद प्राप्त करने के लिए, मंत्री पद प्राप्त करने के लिए, गाड़ी बंगला ये सब प्राप्त करने के लिए जो इन लोगों ने किया था वो ये प्राप्त कर रहे हैं। ये जितना आपस में नुरा कुश्ती कर लें, एक दूसरे के खिलाफ बोल लें, लेकिन सत्ता सुख में ये कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। और जिनको नहीं मिल रहा है वो बोल रहे हैं, जिनको मिल रहा है वो उसको उसका भोग कर रहे हैं, लेकिन इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये जो महागठबंधन सत्ता प्राप्ति के लिए बना था और हम लोगों ने कहा था कि ये महाठग बंधन है, तो ये जनता को ठगने के लिए बना था। जबकि गठबंधन की कांग्रेस का ये मानना है कि शायद कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो जल्द ही समन्वय समिति की घोषणा करेंगे। सरकार काम कर रही है और सफलता पूर्वक अपने कार्यकाल को पूरा भी करेगी। स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील है, उन्होंने कांग्रेस का जो भी डिमांड है, चाहे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हो या कोऑर्डिनेशन कमेटी का हो, तो ये बिल्कुल हमें लगता है कि बहुत जल्द इस पर निर्णय ले लिया जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही है जिसके कारण निर्णय लेने में स्वाभाविक तौर पे विलम्ब हो रहा है। पंचायत चुनाव है, अब पंचायत चुनाव के बाद जो है इस पर हम लोग सारे लोग बैठेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के भी लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सारे लोग एकजुट हैं, एक मंच पे हैं और बहुत जल्दी सारे चीज़ों पर निर्णय ले लिया जाएगा। बहरहाल राज्य की कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि उनके मन की बात पूरी होगी, लेकिन हकीकत ये है कि बोर्ड निगम और 20 सूत्री पर कोई कवायद नहीं होने से नेता और कार्यकर्ता दोनों ही मायूस हैं। समाचार प्लस के लिए सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ संजीव सिन्हा की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।